कोई 10-15 साल का बच्चा क्या ही उखाड़ लेगा? अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कोई नौकरी नहीं देगा, तो साला क्या ही कमाओगे और क्या ही खाओगे? ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए और माँ बाप के लिए भी ये वीडियो एक तमाचा है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो अपने स्कूल कॉलेज में तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, पर आज कई यूथ के लिए वो खुद एक मोटिवेशन है और आज हर कोई उनके जैसा स्टार बनना चाहता है। क्रिकेट के हर मैच में अपनी छाप छोड़ने वाली इस बंदे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो कभी हालात के चलते 5 रुपए के मैगी से अपना गुजारा करता था, वो बंदा आज 5 करोड़ की सिर्फ घड़ी पहनता है। गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाला बंदा, जो कभी एक अपार्टमेंट तक अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो आज इंडिया के सबसे महंगे एरिया में से एक, जहां शाहरुख, सलमान, आमिर जैसे बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, वहां 8 BHK अपार्टमेंट में रहता है जिसकी वैल्यू 100 करोड़ से भी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन क्रिकेट स्टार हार्दिक पांड्या की। इस बंदे के आज के नवाबी शौक के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर उससे पहले उसकी कहानी सुनना यार, अंदर से एक आग लग जाएगी। किस्मत को टोकने वालों बहुत ध्यान से सुनना, किस्मत रहम तभी करती है जब बंदे में किस्मत को चैलेंज करने का जज्बा हो, और ऐसे लोगों के सामने साली किस्मत भी सर झुकाती है। हार्दिक पांड्या, ये बंदा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जो पहले से ही पढ़ाई लिखाई में कुछ खास नहीं था। कॉलेज की तो बात ही छोड़ दो, पर स्कूल से भी ये इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि 9th स्टैंडर्ड में 3rd अटेम्प्ट में पास होने के बाद उसने पढ़ाई को ही छोड़ दिया। पर इस बंदे को बचपन से ही क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए ये दूसरे गांव में क्रिकेट खेलने के लिए जाता था। वहां पर अगर इनकी टीम जीतती थी तो उनको 300-400 रुपए मिलते थे। एक गांव से दूसरे गांव तक का सफर ये अक्सर किसी से लिफ्ट मांग के पूरा करता था, ताकि लंच के लिए पैसे बचे। और इसके बावजूद भी इस बंदे को 5 रुपए की मैगी पे अपना पूरा दिन निकालना पड़ता था, क्योंकि प्रॉपर डाइट मेंटेन करना तो मुश्किल था और बाकी खाना खाने से नींद आती थी। और ऐसी सिचुएशन में ये बंदा पूरा पूरा दिन क्रिकेट खेलता था। एक इंटरव्यू में ये बंदा बताता है कि कभी कभी बहुत बुरा लगता था, यार इतनी बचत करने के बावजूद भी हमें किराए के घर में रहना पड़ता है। पहले तो इनके पापा एक फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, पर हार्ट अटैक के बाद उनको वो भी छोड़ना पड़ा। फाइनेंशियल सिचुएशन खराब थी, पर ऐसी सिचुएशन में भी उसने अपना गोल चेंज नहीं किया, क्योंकि उसने ठान लिया था कि अब करियर तो क्रिकेट में ही बनाना है। और इतनी शिद्दत से अगर किसी चीज को चाहो तो भगवान मिल जाते हैं यार, यहाँ बंदे को चांस तो मिलना ही था। हार्दिक का सिलेक्शन अंडर 16 के कैंप में हो गया, और इसी बीच इंग्लैंड की टीम इंडिया में आके खेलने वाली थी, और सारे बच्चों को अपना नाम बॉल बॉय के लिए देना था। पर यहाँ इस बंदे का एटीट्यूड देखना, इसने कहा मुझे बॉल बॉय बनना ही नहीं है, मैं यहाँ क्रिकेटर बनने आया हूँ, बॉल बॉय नहीं। इस हरकत की वजह से कोच ने लगभग इसे अपने टीम से बाहर निकाल दिया था, पर इसका जुनून ये था कि जो चाहिए, जो सपना है, उससे कम में तो मानना ही नहीं है। यह हरकत बहुतों को एरोगेंट लगेगी, पर जिसके अंदर वो पागलपन होता है ना, वो ऐसे ही होते हैं, और शायद इसी जुनून ने, इसी पागलपन ने इस बंदे को इस लेवल तक पहुंचा दिया। सचिन तेंदुलकर के साथ इनका पहला किस्सा बहुत फेमस है। जब पहली IPL मैच में हार्दिक ने जबरदस्त इनिंग खेली और मुंबई इंडियंस जीत गई, तब सचिन तेंदुलकर ने हार्दिक पांड्या को एक सरप्राइज विजिट किया था, और ये बंदा 20 मिनट तक उस पल पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैंने कहीं पे सुना था कि माँ बाप के पैसों पे ऐश करने में वो मजा कहाँ, मजा तो तब आएगा जब पैसा अपना हो, कामयाबी अपनी हो, और मजा अपने माँ बाप करे। और ऐसा ही एक इंसिडेंट 2019 में हुआ, जब हार्दिक पांड्या की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से मुंबई इंडियंस ने IPL का टाइटल जीता था, और उसकी पार्टी में प्लेयर्स और उनके घर वालों को इनवाइट किया था। उस पार्टी में हार्दिक के डैड भी थे, जो महानायक अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे। उस पार्टी में खुद अमिताभ बच्चन ने हार्दिक के डैड से कहा था, आप धन्य हो जो ऐसे बेटे आपके घर पैदा हुए, मैं इनका फैन हूँ। यार किसी भी माँ बाप के लिए इससे गर्व की बात क्या हो सकती है कि जिंदगी भर आप जिसके फैन रहे हो वो खुद आके बोले कि मैं आपके बेटों का फैन हूँ। शायद से असली कामयाबी इसे ही कहते हैं। दोस्तों, इस बंदे की लाइफस्टाइल आज कोई नवाबों से कम नहीं है। ये मुंबई के बांद्रा में 8 BHK के अपार्टमेंट में रहता है, और ये हमेशा न्यूज में रहता है अपनी महंगी चीजों को लेकर, जैसे कि 3.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी, 5 करोड़ की घड़ी, 2 लाख का कुर्ता पैजामा, 1.5 लाख के जूते, 50,000 का बाथरोब और न जाने क्या क्या। जब किसी ने हार्दिक से पूछा कि क्या आप शॉप करने के लिए इतनी महंगी चीजें पहनते हो, तब ये बंदा मुस्कुरा के बोलता है कि जब पूरा दिन मैगी पे गुजारता था तब भी मैं ऐसा ही था, मुझे जब कोई चीज पसंद आती थी तब मैं उसकी कीमत जमा करने की कोशिश करता था और उसके लिए अपने सपनों के पीछे भागता था, और आज भी वही करता हूं। दोस्तों, ये था हार्दिक पांड्या का जीरो से लेकर हीरो तक का सफर, जिसमें 5 रुपए की मैगी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की 5 करोड़ की घड़ी।